तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल अनुभव विद रवि के मैथ्स में स्वागत है। तो हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी क्लास अनुभव विद रवि के मैथ्स में। और दोस्तों, आज हम सीखेंगे विविध प्रश्नावली राजस्थान कक्षा 10 त्रिकोणमिति, और उसका क्वेश्चन होने वाला है आपका नौवां और दसवां। तो जल्दी से आ जाओ और नौवां और दसवां क्वेश्चन देख लो। अब दोस्तों, नौवां क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, कौन सा क्वेश्चन है आपका नौवां। तो इस नौवे क्वेश्चन को मैं एक बार वैसा का वैसा उतार रहा हूं, 3 tan और उसके ऊपर है सुकाय और 30 डिग्री प्लस cot और उसके ऊपर है सुकाय 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है -8, उसके बाद है साइन, उसके बाद है 45 और यहां पर सुकाय है, ठीक है। प्लस यहां पर है cos, यहां पर है सुकाय और ये है 30 डिग्री और बराबर में है 0। यानी कि हमें ये क्या, इस बाब को क्या कहते हैं, एल एच एस बराबर होता है आर एच एस। LHS तो है आपका ये और RHS है आपका ये, यानी कि RHS का मान है 0। हमें दाएं भाग के मान को बाएं भाग के मान में स्पष्ट करना, यानी कि दोनों तरफ क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे इसमें कहा गया है वैसे वैसे आपको मान रखने हैं, ठीक है। तो अब देखो, 3 का तो 3, अब यहां पर 10 30, 10 30 का मान कितना होता है सारणी में देखो, 10 ये रहा 30 ये रहा, 10 30 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3 और ऊपर क्या लगा हुआ है सुकैर, तो सुकैर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद है प्लस, तो प्लस लिखा। अब है कोट 30, अब कोट 30 का मान देखो, ये रहा कोट और ये रहा 30, कोट 30 का मान कितना होता है √3 होता है, कितना होता है √3 और ऊपर क्या लगा हुआ है सुकैर, तो सुकैर लगा दिया। उसके बाद है माइनस और 8, ठीक है। अब साइन 45, तो साइन 45 का मान देखो, ये रहा साइन और ये रहा 45, साइन 45 का मान कितना है 1/√2 और क्या लगा इसके साथ सुकैर, तो सुकैर लगाया। उसके बाद प्लस का प्लस लगाया, ये पूरे एक है, ठीक है। अब यहां पर है कोस 30, तो कोस 30 का मान देखो, ये रहा कोस और ये रहा 30, कोस 30 का मान है √3/2, क्या है मान √3/2 और इसके ऊपर लगा हुआ है सुकैर, यानी इसके पूरे के ऊपर सुकैर है, इसके भी ऊपर सुकैर है, ठीक है। और पूरों के ऊपर क्या है ब्रिकेट है, पूरों के ऊपर क्या है ब्रिकेट है। अब देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहां पर 3 का तो 3, अब 1 का सुकैर करो 1 आएगा, √3 का सुकैर करोगे तो रूट से सुकैर हट जाएगा, बचेगा क्या 3, ठीक है। प्लस अब देखो, √3 का सुकैर करो तो सुकैर से क्या होगा रूट हट जाएगा, ये बचा। अब माइनस का माइनस, 8 का 8, यहां पर क्या होगा सुकैर से रूट हट जाएगा और ऊपर वाली 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, नीचे क्या आएगा 2। प्लस अब देखो, नीचे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 3 और बराबर हमें क्या लाना है 0 लाना है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, 3 का तो 3, अब इसमें कोई नहीं है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। अब इसका लो एलसीएम, लघुत्तम समाप्रत्यय, 3 एकम 3, ठीक है। अब 3 को फाड़ा बोलो 3 बार, 3 में 3 का भाग दो 3 में, कितनी बार जाएगा 1 बार, और उस 1 को गुणा करो 1 से, तो 1 को गुणा करेंगे 1 से तो 1 आएगा। फिर प्लस, अब 1 का भाग दो 3 में, कितनी बार जाएगा भाग 3 बार, अब 3 को गुणा करो 3 से, कितना आएगा 9, तो 9 लिख दिया। अब है यहां पर माइनस का 8, अब बताओ यहां पर क्या आएगा लघुत्तम 2 और 4 में, तो लघुत्तम आएगा यहां से 4, अब 2 का फाड़ा बोलना है 4 में, कितनी बार जाएगा 2 बार और उस 2 से गुणा करना है 1 से, तो 2 एकम 2, तो यहां पर लिखा 2। अब देखो दोस्तों, 4 का फाड़ा बोलना है 4 में, कितनी बार भाग जाएगा 1 बार और उस 1 को गुणा करना है 3 से, तो कितनी बार गुणा होगा 3 बार ही होगा, यानी कि 1 को 3 से गुणा करोगे ना तो क्या आएगा 3 आएगा और बराबर हमें लाना है 0। अब देखो दोस्तों, यहां पर देखना, ये 3 से ये 3 कट रहा है, तो यहां पर क्या बचा 10 माइनस, यहां पर देखो 8, अब देखो यहां पर भी कट रहा है, 1 चौक 2 चौक 8 कट गया ना, तो यहां पर लिख सकते हैं 2 और अंदर क्या है 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, बराबर में क्या सिद्ध करना है 0। अब बताओ 10 माइनस 2 को 5 से गुणा करोगे तो 10, बराबर में क्या लाना है 0, यानी कि 10 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 0 और बराबर हमें लाना है 0, तो इसका तो मान आ गया, क्या मान है आपका 0 = 0, यही हमें इस क्वेश्चन में स्पष्ट करना था, ठीक है। दोस्तों क्या करना था कि दाएं भाग बराबर बाएं भाग में लाना था, तो 0 = 0 हमने लिया है। तो अब हम कर लेते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन आज की वीडियो का
दसवां क्वेश्चन, ये भी सिंपल है लेकिन ये क्या है कि 5000 नंबर के आ सकते हैं आपकी प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि आपकी जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है अजमेर बोर्ड दसवीं की परीक्षा राजस्थान, उनमें क्या हो सकता है कि विविध से प्रश्न उठाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम कर लेते हैं हमारा दसवां क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन। तो ये तो नीचे लिखा ही है तो मैं इसको नहीं लिखता हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चार का तो चार लिख देना है। अब देखो साइन तीस, और साइन तीस का मान कितना होता है, साइन ये रहा तीस ये रहा, साइन तीस का मान होता है एक बटे दो, क्या होता है एक बटे दो, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है चार का घात लगा हुआ है, और ये जो बाहर लगा है ना ब्रैकेट ये पूरे के ऊपर है, ठीक है। बाद में क्या है प्लस का प्लस, यहाँ पर देखो कोस साठ, अब कोस साठ का मान कितना होता है, ये रहा कोस और ये रहा साठ, कोस साठ का मान होता है एक बटे दो, कितना होता है एक बटे दो, उसके बाद है माइनस का माइनस, उसके बाद देखो माइनस और यहां पर है आपका तीन, उसके बाद देखो यहां पर कितना है कोस स्क्वायर पैंतालीस, तो कोस पैंतालीस का मान कितना होता है, कोस पैंतालीस का मान होता है एक बटे रूट दो, एक बटे रूट दो, और इसके पूरे ऊपर लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस का माइनस लगा दिया, फिर साइन नब्बे, तो साइन नब्बे का मान देखो ये रहा साइन और ये रहा नब्बे, साइन नब्बे का मान कितना होता है एक, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया, बराबर में क्या है पंद्रह बट्टे चार, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, देखो चार का तो चार, अब एक का गुणा करो कितनी बार, चार बार, तो एक को चाहे कितनी बार कर लो एक ही आएगा, अब दो को कितनी बार गुणा करना है चार बार, दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो, तो एक दो 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 चार, एक चौथो दो चौगाट एंड दो सोलह, तो इसका क्या आएगा सोलह आएगा, ठीक है। अब प्लस का प्लस, अब एक बटे दो के ऊपर कुछ है नहीं तो यहां से क्या ले सकते हैं हम एक बटे दो, अब बताओ माइनस का माइनस, तीन का तीन, अब दोस्तों एक का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा एक, और रूट दो का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या एक बटा दो, ठीक है। अब एक का स्क्वायर करोगे क्या बचेगा एक, सही बात है कि एक बार एक को आप दो बार गुणा करो, चार बार गुणा करो, पांच बार करो, एक का एक ही आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो चार का तो चार, अब दोस्तों नीचे का लघुतम लो, नीचे लघुतम क्या आएगा सोलह, अब बताओ सोलह का भाग किसमें देना है सोलह में, कितनी बार भाग जाएगा एक बार, और उस एक को गुणा करना है एक से, तो एक को गुणा करेंगे एक से तो एक ही आएगा प्लस, फिर दो का भाग देना है सोलह में तो कितनी बार भाग जाएगा आठ बार, और उस आठ को गुणा करना है एक से तो कितना आएगा आठ, ठीक है। अब माइनस का माइनस, अब तीन, अब यहां पर देखो कुछ नहीं है इसका मतलब एक लगा सकते हैं, तो इसका लघुतम क्या आएगा दो आएगा, अब दो का बड़ा बोलना है दो में तो कितनी बार भाग जाएगा एक बार, और उस एक को गुणा करना है एक से कितना आएगा एक, उसके बाद है माइनस तो माइनस लगाया। अब आपको एक का भाग देना है दो में कितनी बार भाग जाएगा दो बार, और उस दो को गुणा करना है किससे एक से, तो कितनी बार गुणा होगा दो को गुणा करोगे एक से तो दो ही आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो अब कोई चीज कट रही है तो उसको काट दो, एक चौ दो चौ काट तीन चौ बार चार चौक सोलह, चार बार कट रहा है यहां पर क्या होगा एक और आठ कितने हो जाएंगे नौ, नौ बटे चार। अब यहां पर देखो माइनस का तो माइनस, अब दोस्तों देखो तीन का तीन उतारा, अब एक बट एक माइनस दो बटे दो, तो एक प्लस का है और दो माइनस का है, तो एक में से माइनस का दो घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का एक बचेगा, और बट्टे में क्या है दो है, तो अब देखो अब नौ बटा चार का तो हमने नौ बटा चार लिखा, अब माइनस के तीन को गुणा करना है माइनस के एक बटे दो सो, तो माइनस से माइनस गुणा होता है क्या क्या हो जाता है प्लस में चेंज हो जाता है, तो तीन को एक से गुणा करेंगे क्या आएगा तीन, और बट्टे में क्या है दो, तो दो उतार दिया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम क्या आएगा चार आएगा, अब चार का फाड़ा बोलो चार में कितनी बार भाग जाएगा एक बार, और उस एक को गुणा करो नौ से तो कितना आएगा नौ, कितना आएगा नौ, उसके बाद है प्लस तो प्लस लग गया। अब दो का फाड़ा बोलो दो में कितनी बार भाग जाएगा एक दो 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 चार दो आएगा, और उस दो को गुणा करना है तीन से कितना आएगा छह, एक तेरी दो तेरी छह। अब देखो नौ और छह कितने हो जाएंगे पंद्रह, और बट्टे में क्या है चार, और हमें सिद्ध क्या करना था बराबर में कितने लाने थे पंद्रह बट्टे चार ही हमें इस क्वेश्चन में लाने थे। तो दोस्तों ये है आपके आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ था ना आठवां क्वेश्चन, ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और क्वेश्चन ये आ भी सकते हैं, तो पांच नंबर की क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसको तैयार कर लो तकड़ी तरह, ठीक है, तकड़ा तरह तैयार कर लो, और अगले कॉन्सेप्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, एंड देखते रहिए हमारे चैनल अनुभवित रवि के मैथ्स।